हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं अपनी यहाँ पर गैलरी में खड़े होकर शूट कर रही हूँ और काफी टाइम बाद शूट कर रही हूँ। तो आज एक्चुअली मैं एक आपको हेयर कट करके दिखाने वाली हूँ, मिष्टी के बालों में, अपने बालों में नहीं। मिष्टी मेरे पीछे काफी टाइम से पड़ी हुई है, काफी टाइम से जिद कर रही थी कि मॉम मुझे बैंग कट करवाना है, मतलब आगे जो बाल होते हैं ना, तो उनको उस तरीके से थोड़ा सा कट करवाना चाहती थी। इसे आप बैंग कट भी कह सकते हो। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा आगे से हेयर स्टाइल चाहती है अपना। और अभी वैसे भी इसने स्कूल तो जाना नहीं है, अभी घर पर ही है। तो अभी मैं उसके बालों में आपको वो हेयर कट कर दिखाने वाली हूँ। और प्लीज़ बैड कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये उसे कटिंग कर दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मैं उसके बालों में आपको ये हेयर कट कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने मिष्टी के बालों में अच्छे से कॉम कर लिया है। अब मैं इसके बालों में फ्रंट सेक्शंस का बालों का लूँगी और इस तरीके से उसे अच्छे से कॉम कर लूँगी। और आपने ट्रायंगल शेप में इसे लेना है इस तरीके से। आप चाहे तो इसमें रबर बैंड लगाकर भी इसे कट कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही कट कर रही हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम ही कट कर रही हूँ। आज से पहले मैंने कभी इसके बालों को कट नहीं किया, इस तरीके से कटिंग नहीं की है मैंने। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे ले लिया है। और आपने इक्वल सेक्शन लेना है, और जितना भी आपने अपने आप अपने बालों में बैंग्स चाहते हैं, जितनी भी आप बालों की लेंथ चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने कट करना है कुछ इस तरीके से। मैं बहुत ज़्यादा नहीं चाहती हूँ, इसकी आईब्रो तक नहीं करूँगी, सिर्फ फोरहेड पर ही जो रहे सिर्फ इतना बैंग कट करना है मुझे, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। और अच्छे से मैं इसे कॉम कर लूँगी। और अब मैं एक सीज़र की हेल्प से इसे कट कर रही हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और आपको अगर ज़्यादा लंबे बैंग्स चाहिए तो आप ज़्यादा लंबी इसकी कटिंग कर सकते हैं। और मुझे थोड़े शॉर्ट में चाहिए थे, क्योंकि मिस्टी ने बोला था कि मम्मी थोड़ी शॉर्ट करना बालों को, क्योंकि ये देखिए अब आँखों में आ रही हैं, आप देख सकते हो। तो अब मैं थोड़ा सा इसे और कट कर लूँगी, और इतना ही कट करूँगी गाइस, जितना कि मैं इसे पिनअप भी कर सकूँ, क्योंकि काफ़ी बार बच्चे जो होते हैं ना गर्मियों में परेशान हो जाते हैं इस तरह से। तो मैं इसे बस थोड़ा सा ही कट करूँगी, और इस तरीके से मैंने इसे कट किया है। और आपको यहाँ पर ये शायद थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मिष्टी के जो बाल हैं ना बहुत ज़्यादा पतले हैं, बहुत ज़्यादा सिल्की हेयर है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल से इसको सेट कर आपको दिखा देती हूँ, पिक में दिखा दूँगी मैं आपको कि किस तरीके से लगते हैं ये सेट करने के बाद। और अब मैं यहाँ से नीचे के बालों की लेंथ भी थोड़ी शॉर्ट कर रही हूँ, इसकी इक्वल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगी, सिर्फ इक्वल करनी है मुझे नीचे से बाल इसके। तो इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है, और मैंने सूखे बालों में ही किया है गाइस। अगर आप चाहें तो इसे गीले भी कर सकते हो थोड़ा, क्योंकि गीले बालों में वैसे अच्छे से नहीं होती है मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए मैंने गीले नहीं किए हैं। और ड्राई हेयर में आपको अच्छे से कटिंग दिख जाती है। तो ये है इसका फाइनल लुक, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर साइड पे भी आपको पिक दिखा दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा मिष्टी का ये न्यू हेयर स्टाइल। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर और फेसबुक पर भी। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।